समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। राम मंदिर पर फैसले के दिन यूपी में रहा है रामराज। सीएम ने खुद संभाली थी कमान तो प्रदेश रहा अपराध मुक्त। अयोध्या फैसले के दिन प्रदेश में नहीं हुई एक भी घटना। अपराध की संख्या में 9 नवंबर को शून्य रही। आपको बता दें 2.5 साल में ऐसा पहली बार हुआ है जब एक भी अपराध नहीं हुए। अयोध्या फैसला जिस दिन आना था उस दिन एक भी घटना नहीं हुई है। पुलिस आंकड़ों के हिसाब से 9 तारीख को रहा है प्रदेश में रामराज। हत्या लूट डकैती दुष्कर्म अपहरण की नहीं हुई है कोई भी घटना। सीएम ने खुद संभाली कमान तो प्रदेश रहा अपराध मुक्त। अयोध्या फैसले के दिन प्रदेश में नहीं हुई एक भी घटना। अपराध की संख्या 9 नवंबर को रही शून्य। 2.5 साल में ऐसा पहली बार हुआ कि नहीं हुई एक भी घटना। पुलिस आंकड़ों के हिसाब से 9 नवंबर को रहा प्रदेश में रामराज। हत्या लूट डकैती दुष्कर्म अपहरण की नहीं हुई एक भी घटना। सीएम योगी ने खुद संभाल रखी थी कमान। सीएम योगी ने हर जिले की अपडेट पर रखी थी खुद की नजर। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता सतीश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सतीश, 2.5 साल में ऐसा पहली बार हुआ है जब एक भी अपराध की घटना सामने नहीं आई है। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, जिस तरीके अगर देखा जाए तो 9 नवंबर को एक भी घटनाएं नहीं हुई हैं। इस चीज़ को देखते हुए पुलिस के एक बार पीठ भी थपथपानी पड़ गई कि जिस तरीके देखा जाए 9 नवंबर को अयोध्या का फैसला आने वाला था जिसमें एक भी घटना नहीं हुई। अब ऐसे में बात यह हो जाती है कि जिस तरीके पुलिस लगातार जैसे 9 नवंबर को काम करती है उसी तरीके अगर हमेशा यही करते आए तो कभी भी ये क्राइम की घटना ना देखने को मिले। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अयोध्या में पर सबकी नज़रें थी और जो भी अयोध्या जो था वो उत्तर प्रदेश से था, तो ऐसे में अगर कोई भी घटना अप्रिय घटना घटती तो सीएम योगी आदित्यनाथ और डीजीपी की छवि धूमिल होती। इस वजह से सभी जो थाने से लेकर के और बड़े अफसरों से लेकर लगातार नज़रें बनाए रखे क्राइम को लेकर के कोई भी अप्रिय घटना ना होने पाए। इसके लिए पुलिस लगातार गांव से लेकर के शहरों से लेकर के लोगों तक एक सतर्क बनाए रखी और उनके मन में एक सतर्कता भी रही कि कोई अप्रिय घटना ना घटने पाए और उनको लगातार लोगों से संवाद करते रहते हैं। इस चीज़ को लेकर के लगातार लोगों में ये भी भय बना रहा कि अगर कोई अप्रिय घटना घटती है तो दोषी कार्रवाई मानते हुए हमारे ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो ऐसे में लगातार पुलिस अपने पेट्रोलिंग बढ़ा रखी थी, लोगों पर काफ़ी नज़र रखी थी। जो संवेदनशील लोग थे उनके ऊपर भी आदेश कर दिया था किया गया था कि कोई भी अपनी बात ना रखें, कोई इस तरीके माहौल ना फैलाएं कि कोई घटना घट सके। तो ऐसे में लगातार पुलिस अपना अयोध्या मसले को देखते हुए लगातार लोगों के बीच में संवेदनशील रही और बातें रखी और ये भी रहा कि एक दूसरे से संवाद के जैसे तमाम योजनाएं हैं सरकार की, तमाम योजनाएं हैं कि पुलिस और लोगों के बीच में एक ऐसी माहौल बनाए रखें कि अपनी बात एक दूसरे से कह सके। तो ये सब सारी चीज़ें थी उसी दिन को ये देखने को मिला। लेकिन लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार निर्देश दे रहे हैं कि लोगों के बीच में जाएँ, अपना व्यवहारिक माहौल बनाएँ, मित्र बनाएँ, ये सब चीज़ों को लेकर केवल 9 नवंबर को ही देखने को मिला, इससे पहले कभी नहीं देखने। तो ये सब तमाम चीजें हैं जो 9 नवंबर को देखने मिली है। ऐसे में ये भी कह सकते हैं कि रामराज उसी दिन देखने को मिला, लेकिन अगर ये कंटिन्यू रहे तो प्रदेश में कभी भी अपराध ये घटना ना हो। ये सब चीज को देखते हुए एक बार फिर से पुलिस को पीठ थपथपानी पड़ेगी कि 9 नवंबर को जिस तरीके के संवेदन लोगों में सतर्कता बनी रहे, कोई भी क्राइम नहीं घटना घटी, तो ऐसे में अगर आगे भी ऐसा व्यवहार बने रहे तो काफी प्रदेश उत्तम प्रदेश बन सकता है। जी सतीश, बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस तरह से सीएम योगी ने हर जिले की अपडेट पर अपनी नजर रखी थी और तभी यह मुमकिन हो पाया कि 9 नवंबर को एक भी अपराध जिले में नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं सतीश अब सीख लेनी चाहिए पुलिस को और सभी को, प्रशासन को, कि हर दिन ऐसा हो कि घटना ना भी हो, ना हो पाए और 9 नवंबर की तरह ही पूरे दिन जाए।
देखिए, अगर सीख की बात करें तो जानकारी उनको सब कुछ रहती ही है कि हमको किसके बीच में जाना है, किस तरफ से आदेश है, कहां से पहुंचना है और किस तरीके लोगों के प्रति व्यवहार रखना है। लेकिन बात ये पड़ जाती है कि अपना कुछ चीज़ों को लेकर के या कुछ कहें घूसखोरी को लेकर के, तमाम चीज़ों को लेकर के पुलिस अपना व्यवहार ख़त्म कर देती है। इस सब चीज़ें तो लोगों के बीच में वो सतर्कता माहौल नहीं रहता। ये सब सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए अगर कार्रवाई पुलिस हमेशा करती रहे तो उत्तर प्रदेश में कभी भी कोई भी घटनाएँ नहीं घटने पाएंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी रही कि DGP ने भी सख्त आदेश दिया था और मुख्यमंत्री लगातार 100 डायल में बैठकर मॉनिटरिंग कर रहे थे, चप्पे चप्पे पर नजर रख रहे थे। 100 डायल के जरिए जिलेवार भी संवेदनशील सब कुछ वो देख रहे थे, सतर्कता बनाए रखते थे। तो ये सब चीज़ों को लेकर पुलिस का किस तरीके रवैया था, ये सब खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो ऐसे में पुलिस के ऊपर भी ये भी उंगलियां उठ सकती थी, अगर कोई भी सवाल उठता था या प्रिय घटना घटती थी तो तुरंत कार्रवाई हो जाती। तो ऐसे में देश का भी सबकी नज़र उत्तर प्रदेश पर थी। तो ऐसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, DGP हैं और तमाम अधिकारी जो जुड़े थे उनके ऊपर भी छप खराब करने का माहौल बना रहता था। तो ऐसे में ये भी रहता है कि लगातार जो गाँव में और शहरों में जो पुलिस का व्यवहार था वो अच्छा था 9 नवंबर के दिन, और आगे भी ऐसा अगर व्यवहार बना रहे तो उत्तर प्रदेश में कभी भी क्राइम और अपराध नहीं घटेंगे और ये अपराध की जो आंकड़े हैं जो लगातार बढ़ रहा था वो आंकड़े में भी कमी आएगी। जी जी सतीश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन सभी जानकारी के लिए। तो 9 नवंबर को यूपी में एक भी घटना क्राइम की नहीं हुई है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद हर जिले में अपनी नजर बनाए हुए थे, हर जिले की वो निगरानी कर रहे थे। 2.5 साल में ऐसा पहली बार हुआ है जब एक भी घटना नहीं हुई है। पुलिस आंकड़ों के हिसाब से 9 नवंबर को रहा है प्रदेश में रामराज। रायबरेली से